का मतलब होता है संन्यास लेना नहीं, त्याग का मतलब होता है आप अपने संसार में रहकर भी सन्यासी बन सकते हो। कैसे? जो श्री कृष्ण थे कितने सुंदर ड्रेसअप पे आते थे। कोइंसिडेंटली मैं भी आज येलो कलर में हूँ। कितने सारे कोइंसिडेंसेस आज। आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दिस कोइंसिडेंसेस। एनीवेज, सो कृष्ण ने भी अपने जिंदगी में सन्यासी की ही जीवन प्राप्त की थी। कैसे? आप बोलोगे यहाँ रासलीला, यहाँ इतना अच्छा भोजन और फिर इतना सुंदर रूप, तो फिर कृष्ण ने कहाँ से त्याग किया और कहाँ से सन्यासी हुए हो? वो थे। और वो ऐसे कि दूसरा जो जो त्याग का मीनिंग है, विच इज नॉट लाइक सन्यासी, दैट इज आप जो भी कर्म करते हो, आप जो भी कर्म करते हो सबसे पहले तो हम अटैच हो जाते हैं कि ये मेरा काम है। दूसरा, काम करने के बाद हम ये सोचते हैं कि इस काम का फल क्या आने वाला है। करते हैं कि नहीं करते हैं? सब लोग यही सोचते हैं, मानो कि नहीं मानो। एक आधा गीता का श्लोक उठा के तो कोई भी बोल देता है जो कॉमन है, यदा यदा ही धर्मस्य और ये कर्मण्येवाधिकारस्ते, कुछ भी बोल लेते हैं, बट पूरी तरह से मतलब तो किसी को नहीं पता होता। महान है हमारे देश के लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट त्याग का मतलब होता है बिना कर्म को छोड़े अपने ड्यूटी को कंटिन्यूअसली निभाए जाओ, चाहे कोई भी धर्म। धर्म किसको बोलते हैं? ड्यूटी को। ड्यूटी मतलब जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेरा 18th चैप्टर फ्री देना बाकी है, भले पब्लिक भूल गई है उस चीज को, मुझे याद रखना चाहिए, दैट इज व्हाट माय धर्म इज। मुझे अपना कर्म करना चाहिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि आप मेरे को अच्छा बोलोगे, बुरा बोलोगे, आप मुझे गलत फीडबैक दोगे, कमेंट में कुछ बोलोगे या नहीं देखोगे, कितने लोग आने वाले हैं मेरा लाइव सेशन देखने के लिए, कितने नहीं। आई हैव गिवन अप ऑन दैट। दैट इज कॉल्ड त्याग फ्रॉम योर कर्म। मीन्स कर्म कर रहा हूँ मैं, कर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट उसका जो रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस आने वाला है उससे कंप्लीटली मैं डिटैच हूँ। दैट इज